हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नित्याविज एकेडमी। और आज मैं आपके साथ पीआरटी जो केवीएस के अंदर इंटरव्यू होते हैं हर साल कॉन्ट्रैक्ट बेस पे, और जो रेगुलर भर्ती होती है, और अभी भी जो केवीएस के जो कॉन्ट्रैक्ट बेस के इंटरव्यू चल रहे हैं, उनके बारे में एक एक्सपीरियंस शेयर करना चाहती हूँ, और आपको वो बातें बताना चाहती हूँ जो आपके इंटरव्यू पे जाने से पहले आपके लिए बहुत ज़रूरी है जानना, हाउ टू फेस ए इंटरव्यू। तो आपको अगर पीआरटी लेवल का इंटरव्यू देना है तो ये बातें आपको बड़े अच्छे से ध्यान रखनी होंगी। यू हैव टू इंट्रोड्यूस योर सेल्फ। सबसे पहले जब आप इंटरव्यू देने जाएंगे तो आपको अपने आप का इंट्रोडक्शन करवाना होगा। तो आपको अपना इंट्रोडक्शन इंग्लिश में करवाना है। आपको अपना पहले नाम, कहाँ से आप बिलोंग करते हैं वो बता करके, और उसके बाद में आपको अपनी एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में इंट्रोडक्शन देना होता है। अगर आपके ने कोई स्पेशलिटी कर रखी है, आपने कोई एग्ज़ाम क्लियर कर रखा है, सी टेट, एस टेट या कोई भी जो टेट एग्ज़ाम है या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम आपने क्लियर किया है, उसके बारे में आपको बताना होता है। इसके बाद आपको जो बीएड है उसको आपने कहाँ से किया है, किस सब्जेक्ट से किया है, ये सब भी आपको इंट्रोडक्शन में देना होता है। इसके बाद में आपको जो आप अपना इंट्रोडक्शन दे रहे हैं आपको इंग्लिश में देना चाहिए। आप अगर थोड़े अनसफिशियंट, आप बोल नहीं पाते हैं इंग्लिश अच्छे से, तो आप थोड़ा धीरे बोल लीजिए, आराम आराम से बोल लीजिए, लेकिन आप अपना इंग्लिश में अपना डेमो दीजिए, इंग्लिश में ही अपना इंट्रोडक्शन दीजिए। ये बहुत इंप्रेसिव रहता है, खास करके केवीएस और एनवीएस एग्जाम्स के अंदर। इसके अलावा आपके जो बेसिक कंसेप्ट है, जो आपका सब्जेक्ट है पीआरटी के अंदर, मतलब आपके जो बेसिक जो नॉलेज है वो आपको होनी चाहिए सारी। आपको इसके लिए सबसे पहले तो थोरोली आपको बुक्स रीड करनी, आपको जो पीआरटी लेवल की बुक्स है वो पढ़नी होंगी, ताकि आपके जो कंसेप्ट क्लियर हो जाए, आपको पता हो कि आपको कैसे बच्चों को पढ़ाना है। और उसके साथ ही जो बुक के अंदर जो नोट्स दिए होते हैं टीचर्स के लिए चैप्टर शुरू होने से पहले, उसमें बताया होता है कि ये चैप्टर आपको बच्चों को कैसे पढ़ाना है एनसीईआरटी के द्वारा, तो आपको उसे भी ध्यान से पढ़ना है पहले, और ताकि आपको पता जब आपको इंटरव्यू फेस करे तो आपको वो पॉइंट्स बहुत काम आते हैं। इसके साथ ही आपको बेसिक कंसेप्ट की नॉलेज होनी चाहिए, इंग्लिश, हिंदी, ईवीएस और कंप्यूटर की। कंप्यूटर की इतनी नहीं पूछी जाती, लेकिन इंग्लिश, हिंदी और ईवीएस की काफ़ी पूछी जाती है। इन्वायरमेंटल के जो इश्यूज़ हैं उन पे क्वेश्चंस पुट किए जाते हैं। इसी तरह जो इंग्लिश के क्वेश्चंस होते हैं, आपसे इंग्लिश में से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, जैसे एडवाइस, और एडवाइस आपको दो वर्ड दे देंगे, कोई सेंटेंस के अंदर ये वर्ड्स दे देंगे, और आपको बोलेंगे कि इन्हें लिख के दिखाइए, कि आपको सेंटेंस बोल देंगे कि आई एडवाइज हर नॉट टू एडवाइस मी, तो आपको इस सेंटेंस को लिखना होगा और आपको बताना होगा कि आपको पूछ लेंगे इनमें डिफरेंस क्या है दोनों में, इनमें से नाउन कौन सा है, इस तरह के क्वेश्चंस पुट किए जाते हैं। इसके अलावा आपसे पूछा जाए, कोई भी आपको इंग्लिश का सेंटेंस दे देंगे, आपको बोल देंगे और बताएं पूछेंगे कि इसमें नाउन बताओ, इसमें नाउन कौन सा है इसमें, या फिर इसमें सब्जेक्ट कौन सा है या ऑब्जेक्ट कौन सा है। तो इस तरह से आपको जो बेसिक इंग्लिश है उसकी नॉलेज होनी चाहिए। इसी तरह हिंदी में आपसे पूछ लेंगे, हिंदी के अंदर संज्ञा कौन सी होती है, सर्वनाम क्या होता है, क्रिया कारक कौन कौन से होते हैं उनके बारे में, इस तरह के आपसे क्वेश्चन पुट किए जा सकते हैं हिंदी के अंदर भी। इसी तरह ईवीएस के अंदर से काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ईवीएस में से कोई ना कोई क्वेश्चन वो आपसे उठा के पूछ ही लेंगे, जैसे कि फोर आर्स क्या होते हैं, जैसे रिसाइकिल, रीयूज, इस तरह से बच्चों को पर्यावरण के बदलाव के बारे में कैसे समझाओगे, ये आपसे पूछा जा सकता है। आपको बताना होगा कि आप बच्चे को कैसे बताएंगे पर्यावरण के जो बदलते जो पर्यावरण है उसका क्या प्रभाव हम पे होता है, ग्लोबल वार्मिंग क्या है, या बच्चों को ये कैसे समझाओगे कंसेप्ट। तो इस तरह के ईवीएस से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं पीआरटी के अंदर, और आपसे पूछे जा सकते हैं कि कोई भी इन्वायरमेंट का क्वेश्चन, क्योंकि ये एक हॉट टॉपिक रहता ही है, तो इसमें से आपको टॉपिक करना है। इसके अलावा आपसे कोई करंट का कोई इशू चल रहा है उसके बारे में भी पूछा जा सकता है। तो ये सब जो बेसिक चीज़ें हैं वो आपको तैयार करके जानी होती है केवीएस के इंटरव्यू में। इसके अलावा जो चाइल्ड साइकोलॉजी है, आपको पता होना चाहिए कि आप एक बच्चा है शरारती, आप उसे कैसे हैंडल करेंगे, एक बच्चा है वो पढ़ाई नहीं करता, उसका आप अपने सब्जेक्ट में इंटरेस्ट कैसे क्रिएट करेंगे, एक बच्चा है जो इंग्लिश, हिंदी सब सब्जेक्ट्स को अच्छे से पढ़ता है लेकिन ईवीएस में वो अपना इंटरेस्ट नहीं दिखाता है, ईवीएस नहीं पढ़ता, ईवीएस में कमज़ोर है, तो आप उसका इंटरेस्ट कैसे पैदा करेंगे उस सब्जेक्ट में, आप एक बच्चे को कैसे पढ़ने के लिए प्रेरित करेंगे। तो इस तरह से आपसे ये क्वेश्चंस पुट किए जाते हैं और आपको इनके आंसर पता होना चाहिए, इसलिए आप अपनी तैयारी अच्छे से इस तरह से करके जाए इंटरव्यू जब भी आप फेस करें।
और इसी के साथ चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप प्रैक्टिसिंग। और अगर अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसकी मदद मिल सके। चलिए, थैंक यू।